हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे तरीके से बनाओगे करेले तो जवान बूढ़े तो क्या बच्चे भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, और जो कभी नहीं खाता वो भी दो की जगह चार रोटी खाएगा। तो झटपट बनाइए मेरे तरीके से करेले बिना नमक के पानी में धोए। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम के करेले को अच्छे से छील के और इस तरह राउंड शेप में काट के और उंगली की सहायता से इनके बीज निकाल दिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए यहाँ 2-3 प्याज कट कर लिए हैं और 2 लहसुन की कलियाँ, पूरे लहसुन की कलियाँ छील लिए 2 अच्छे से, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन तीनों का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो ये हरी मिर्च लहसुन प्याज का मैंने इस तरह मिक्स से पेस्ट बना लिया है। अब इधर चढ़ा देंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये अपना ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग पाउडर, 1/2 बारीक किया हुआ लहसुन प्याज हरी मिर्च का पेस्ट। इनको अच्छे से भुनेंगे अच्छा ब्राउन कलर होने तक। तो इसी तरह हिलाते हुए चलाएंगे जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है और ये पक के तैयार नहीं हो जाते हैं। लहसुन प्याज हरी मिर्च तीनों चीज़ें अच्छे से पक जानी चाहिए। तो इस तरह हिलाते हुए चलाएंगे। तो ये हमारे लहसुन प्याज हरी मिर्च अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। इनका ब्राउन कलर हो गया बढ़िया, देखिए। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे, सबसे पहले तो डालेंगे करेले के छिलके। इनको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम करेले के टुकड़े, इस तरह से राउंड शेप किए हैं मैंने। इनको बिना नमक के पानी में धोए काटा है, धोए तो है लेकिन साफ पानी में पूरे पूरे कलर लोग को एक बार धो लिया है, बाकी काटने के बाद बिल्कुल भी इनको नहीं धोया है। तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ आवश्यकता अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इस तरह से मिक्स करके और ऐसे बर्तन से इसको कवर करेंगे जिससे इसकी भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले और ये हमारे करेले अच्छे से पक के तैयार हो जाए। बीच सेंटर में इनको इस तरह इकट्ठा करके और एक ढक्कन से अच्छे से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो इस तरह देखिए मैं इनको इकट्ठा कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से कवर कर दूंगी। 2 मिनट बाद वापस चेक करेंगे। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद देखिए ये हमारे करेले 50-60% तो पक्के रेडी हो चुके हैं, बाकी थोड़े बहुत और कच्चे हैं। तो उसके लिए यहाँ इसमें पहले मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरह 50-60% तो हमारे करेले पक चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी की जान तो मसाले ही होते हैं, तो मसालों में नमक, मिर्च, धनिया पाउडर भी होना जरूरी है, गरम मसाला भी, काली मिर्च हो तो वो भी,
क्योंकि बिना मसालों के सब्जी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो ये देखिए, वापस इसी तरह इनको इकट्ठा करके और उस ढक्कन से 2 मिनट के लिए इसको वापस कवर कर देंगे। तो 2 मिनट बाद आप वापस देखेंगे इसको। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट बाद देखिए आसपास तेल भी कितना छोड़ दिया है सब्जी ने, और ये हमारी सब्जी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गई है। सच कह रही हूँ, सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी। किसी ने यूँ नहीं कहा कि सब्जी कड़वी है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए सब्जी, देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, उतनी टेस्टी खाने में भी लगी। तो इस तरह बनाइए करेले की बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए इसको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं झटपट से। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। आगे भी मेरी रेसिपी अगर ऐसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये हमारी सब्जी प्लेट में सर्व कर हो गई है। अब इसको रोटी पूरी जिसके भी साथ खाना चाहो तो ये रेडी है।